स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में जो छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल एग्ज़ाम चल रहा है, ओपन परीक्षा जो चल रहा है 2021 के लिए, उसका सॉल्यूशन गणित विषय का। तो कक्षा 12वीं के गणित विषय का आंसर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक नंबर के जो सारे सवाल हैं उसका आंसर इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। यदि आपको आगे के भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके बाद आपको सारे आंसर प्रोवाइड कराते जाऊँगा, ठीक है। लेकिन पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, अगर आपने क्वेश्चन बना लिया भी होगा, ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आंसर सही है कि नहीं, है ना। तो हमारे वीडियो के हेल्प से आप उतना काम कर सकते हो। अब देखो, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुँचे। और मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ, देखो यहाँ पे गणित का जो पेपर है उसका खंड और खंड ब का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर जो है बहुविकल्पी प्रश्न, उसका विकल्प का आंसर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले का जो उत्तर है वो अ है, पहले का अ, दूसरे का स, तीसरे का द, चौथे का अ, पाँचवें का अ, छठवें का भी अ है, सातवें का अ, आठवें का ब, नाइन्थ का है स और दसवें 10th क्वेश्चन का है ब। तो इस तरह से आप पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब लिखते कैसे हो, देखो अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न बनाते हो तो आप उत्तर जब लिखे हो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो ये 1 लिखो, अ लिखो, और उसके बाद अब में जो ऑप्शन है ना वो भी लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है अब असा कर दो, मैं यहाँ शॉर्टकट आपको बताने के लिए बस अब असादा करके लिख दिया हूँ, क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास जो खंड ब है ना उसका आंसर। तो 1 ब का उत्तर आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 ब का उत्तर। और 1 ब का कंप्लीट उत्तर आप किस तरह से दोगे, देखो, तो देखो ये खाली स्थान जो है उसका आंसर आप इस तरह से दिखोगे, खाली स्थान पूछा है ना, तो 1 ब का जो उत्तर है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इस तरह से इसका आंसर लिखोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा हो गया, सातवा, आठवा, नौवा और लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छूट गया, मैं बता रहा हूँ अभी, देखो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, ये खाली स्थान वाला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका -4, -2 एंड -1। तो ये लास्ट वाले का आंसर बता रहा हूँ मैं, 4 ऐसे ही लिखोगे, -2 और -1 कॉमा लगा के आप लिखना और यही इसका क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप आंसर लिखोगे, पूरे मैंने 20 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। अब अगर आपको ज़रूरत है आगे की आंसर अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो, और नहीं होगा तो आप बना सकते हो वैसे, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें आपको समझ आ गई जो मैं आपको बताना चाहता था। और अगर आपको आगे के आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना मैं जल्दी आपके आंसर जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और किसी सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का आपको आंसर चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उसके हिसाब से आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।